हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज अपने इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को कैरी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट क्या किया था, जो यूनिट 3 स्टार्ट किया था एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट देखा था, है ना। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या था जी, तीन है ना चीज़ें थी वहाँ पड़ी थी, है ना, जिसके होने पर एक है ना कह सकते हैं कि एनी पर्सन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटर कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ही इज कम्पिटेंट टू enter into a contract when he is of age of majority, he is of sound mind and he is not disqualified है ना for contracting by any law। ये पढ़ा था, ठीक है। अब उसको next आते हैं हम लोग, तो capacity contract के बाद जो further essential elements of valid contract है वो है जी free consent, ठीक है ना, free consent। तो free consent के पहले है ना law ने define किया है consent, कि what is consent, consent क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं, है ना। सेक्शन 13 में कंसेंट को बताया, कंसेंट मतलब जनरल ऐसे तो टर्म में समझते हैं हिंदी में अगर समझे तो, कि सहमति देना, ठीक है ना। बोलता है देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब जब दो लोग एक है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को सेम चीज़ में समझ रहे हैं, मतलब सेम थिंग भी है और सेम सेंस में भी समझ रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल कि आई हैव टू मार्कर, मैंने आपको बोला कि मैं आपको मार्कर अपना मार्कर बेचना चाहता हूँ, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर मैं आपका मार्कर खरीदना भी चाहता हूँ, तो हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि क्या कंसेंट है यहाँ पे, मतलब सहमति है। तो बात क्या थी ना कि मैं समझ रहा था ब्लैक मार्कर बेचूंगा और आप समझ रहे थे कि आप मुझसे रेड मार्कर खरीदने वाले हैं, तो क्या हो गया जी कंसेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेम सेंस में यहाँ नहीं है, मतलब सेम सेंस में नहीं है, है ना। सेंस मैं समझ रहा हूँ ब्लैक, आप समझ रहे रेड, तो सेम सेंस में नहीं। और सेम थिंग, सेम थिंग का मतलब क्या है कि मैंने कहा जी कि मैं मार्कर बेचने आपको बेचूंगा, ठीक। आप समझ रहे हैं ना कि मार्कर क्या है जी, वो रीराइटेबल है, मतलब रिफिलेबल है, और मैं समझ रहा हूँ कि रिफिलेबल नहीं है और आप समझ रहे हैं कि रिफिलेबल है, तो क्या सेम थिंग नहीं है। मतलब मार्कर तो है बट सेम मार्कर नहीं है, ना सेम थिंग में है ना सेम सेंस में है। तो जब सेम थिंग और सेम सेंस जब हो तभी कह सकता है कि कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कंसेंट है। इसीलिए बोलते हैं टू पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन, मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। थिंग भी सेम होना चाहिए और सेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है जी। चलते आगे बढ़ते, अब कंसेंट के बाद आता है फ्री कंसेंट। व्हाट इज फ्री कंसेंट? कंसेंट तो ठीक है, सहमति तो है, लेकिन वो सहमति ऐसा होना कि किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी वजह से नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मतलब फ्री होना चाहिए, मतलब खुले से, है ना, ज़बरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ना कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल ओपनली कंसेंट दिया गया, उसको कहते हैं फ्री कंसेंट। तो बोलता फ्री कंसेंट एग्जैक्टली होता क्या, तो सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन किया है ना फ्री कंसेंट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कब कहा जाएगा कंसेंट फ्री है, When it is not caused by, जब ये किस चीज़ से नहीं ग्रसित हो, caused by मतलब ग्रसित, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो, coercion नहीं हो, undue influence नहीं हो, fraud नहीं हो, misrepresentation नहीं हो और mistake नहीं हो, ठीक है। कहता अगर ये पांच चीज़ों का यूज़ करके या इस पांच चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो वैसे कंसेंट को बोलते हैं कि ये कंसेंट फ्री नहीं है, और जब कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि essential elements of a contract में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनली है ना वैलिड व्हेन इट इज, है ना, इट इज है ना बाय फ्री कंसेंट। तो कंसेंट फ्री नहीं होगा अगर ये पांचों चीज़ें हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं जी यहाँ पे देखिए, अगर ये चार चीज़ है ना तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद रखेगा ये वॉइडेबल है। अगर ये पहले चार चीज़ें यूज करके कंसेंट लिया गया है किसी पार्टी का तो वो कंसेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगी, वॉइडेबल। और फिफ्थ वन जो मिस्टेक है उसका अगर वो यूज़ करके कंसेंट हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। वॉइडेबल का मतलब है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे या वॉइड बना दे, ठीक है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वो हमेशा ही है ना इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, हमेशा वॉइड मतलब क्या होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ दैट इज वॉइड। आइए अब एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग इसको, पाँचों को हम एक वन बाई वन पढ़ेंगे, है ना। पहले आते हैं जी कोअर्जन में, सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कोअर्जन क्या है। कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, मतलब कोअर्जन एक ऐसा काम करना या काम करने की धमकी देना जो कि
है ना, फॉरबिडन बाई इंडियन पेनल कोड, मतलब फॉरबिडन मतलब मना करना, जो नहीं लॉ ने मना कर रखा है। आईपीसी मतलब क्या, लॉ, इंडियन पेनल कोड मतलब लॉ ने मना कर रखा है। आईपीसी मूवीज वगैरह में देखते होंगे ना आईपीसी वर्ड यूज करते हुए कोर्ट में का जब सीन दिखाता है तो, है ना, आईपीसी इंडियन पेनल कोड ने अगर कोई मना कर रखा है वो काम अगर करते हैं, या है ना बोलता है डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को कोई डिटेन कर ले किसी का, है ना, या वो डिटेन मतलब ले लेना, है ना, रख लेना अपने कंट्रोल में, अपने पोजीशन में, या ऐसा करने की धमकी देना कि मैं तुम्हारा ये सामान ले लूँगा, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी ले लूँगा, है ना, तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूँगा, ऐसा कोई धमकी दे, या तो कर दे या करने की धमकी दे, ठीक है ना, है ना, कि उसको बोलता है टू द प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी सामने वाला पार्टी के, है ना, अगेंस्ट द विश, अगेंस्ट द विश, उसके विश के अगेंस्ट में, उसकी इच्छा के अगेंस्ट में ऐसा कर दे अगर, तो विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग, ऐसा इंटेंशन से, ऐसा इंटेंशन करने वाला ऐसी इंटेंशन से करे, है ना, कि सामने वाला उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। सपोज आपने मुझे धमकी दी, मैं बार बार आपको लेता हूँ, है ना, अदरवाइज मत लीजिएगा, आपने अगर मुझे धमकी दी कि सर अगर आप मुझे फ्री में लॉ की क्लासेस नहीं देंगे तो मैं आपकी बाइक को चोरी कर लूँगा, मैं आपकी बाइक को उठा लूँ, चोरी नहीं करूँगा बोलेंगे उठा लूँगा, है ना, या गिरा दूँगा या डैमेज कर दूँगा, तोड़ दूँगा आपकी बाइक को, तो ये क्या आप धमकी दे रहे हैं मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज करने की, धमकी दे करके, और उस धमकी वजह से अगर मैंने आपकी कार को फ्री में पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है जी मैं आपको बिना पैसे के मैं पढ़ाऊँगा, मेरे बिना पैसे के पढ़ाऊँगा, आप मेरे बाइक को कुछ मत करना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा जी, इंड्यूस्ड बाई बोलेंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज, है ना, इंड्यूस्ड बाई कोअर्जन, अगर ऐसा है तो मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि चाहूँ तो मैं बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाऊँ या वॉइड बनाऊँ, है ना, मैं बाद में बोलूँगा नहीं जी मैं आपको फ्री में नहीं पढ़ाऊँगा, मेरी मर्जी है, क्योंकि लॉ बोलता है कि इस केस में क्या होता है, कोअर्जन केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी, वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा जी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ठीक है जी। तो समझ में आ गया कि कोअर्जन का मतलब क्या, कोअर्जन का मतलब कोई काम ऐसा करना या करने की धमकी देना जो कि लॉ ने मना कर रखा, या किसी की प्रॉपर्टी लेना या प्रॉपर्टी लेने की धमकी देना, कंट्रोल में लेना या लेने की धमकी देना, ऐसा इसलिए करना इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला, है ना, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, तो ऐसा आपके करने को बोले जाएंगे कोअर्जन है, और ये, है ना, क्या बोलेंगे कि ये करने से जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। अब आते हैं जी कि इफेक्ट क्या होगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो इन्फ्लुएंस बाय, है ना, क्या कोअर्जन हुआ, कोअर्जन करके हुआ अगर, मतलब कोअर्जन का यूज़ करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, किया गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा उस, है ना, तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोअर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो काउज, जिसका कंसेंट लिया गया कोअर्जन यूज करके, उस पार्टी के पास ऑप्शन होगा सबसे पहले तो ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, ये इफेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोअर्जन करके लिया गया है तो जिसका कंसेंट लिया गया कोअर्जन करके, उस पार्टी के पास ऑप्शन होगा, जिसको हम अग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं, है ना, अग्रीव पार्टी, क्या बोलते हैं जिसको, अग्रीव पार्टी, है ना, अग्रीव्ड, अग्रीव्ड, अग्रीव पार्टी बोलते हैं, जिस मतलब वीकर पार्टी, जो अग्री पार्टी, है ना, उसके पास ऑप्शन क्या होगा जी, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, चाहे तो वैलिड रखे करे या वॉइड कर दे। उसके बाद आता है द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो, है ना, काउज मस्ट रीस्टोर एनी बेनिफिट इफ ही रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी, ठीक है जी। अब देखिए क्या बोला, सेकेंड वाला बोला पार्टी हुज कंसेंट वाज सो काउज मस्ट रीस्टोर, अगर सपोज इस केस में आपने मुझे छोटा सा कोई अमाउंट दिया था कि सर फ्री में तो लिए 100 रुपया लीजिए और मुझे 100 रुपया में पूरा कोर्स पढ़ाइए, तो और मैं लेटर ऑन, चूँकि मैं अग्री पार्टी हूँ, मेरे, है ना, आपने मेरे साथ कोअर्जन का यूज़ करके कांटेक्ट किया, धमकी दे करके यूज़ किया कि बाइक तोड़ दूंगा वाला, ठीक है ना, तो मैं इस केस में मुझे क्या करना, वो जो 100 रुपया अगर मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दूँ, है ना, क्योंकि वॉइडेबल एट द ऑप्शन है, तो वॉइड कर दूँ, तो इस वॉइड करने के लिए मुझे वो 100 रुपया जो आपने मुझे दिया था वो मुझे वापस करना पड़ेगा, वही बोल रहा है रीस्टोर एनी बेनिफिट इफ ही रिसीव्ड फ्रॉम अदर पार्टी, अगर अदर पार्टी से अग्री पार्टी ने कुछ लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा। और तीसरा इफेक्ट क्या है कोअर्जन का,
ए पर्सन टू वो मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कॉशन मस्ट रिटर्न और रिपेड। अगर कॉशन करके आपने है ना मेरे से पढ़ लिया फ्री में, तो ये बेनिफिट आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये शायद एग्जाम्पल फिट ना बैठे। सपोज कि गन पॉइंट वाली जो बात की थी कि गन पॉइंट पे 50,000 रुपये में मेरी बाइक ले लिया है ना, किसे, रमेश ने है ना, रमेश ने मेरी बाइक गन पॉइंट पे, मेरी बाइक जो 2 लाख की थी उसको 50,000 में ले लिया। अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर, मतलब वॉइड कर देता हूँ है ना, ड्यू टू हैविंग ऑप्शंस टू वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता हूँ, तो रमेश को ये 50,000 रुपया जो है वो मुझे वापस करना पड़ेगा। तो तीन इफेक्ट आ गया जी, तीन इफेक्ट आ गया है ना, कोर्जन करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के तीन इफेक्ट होंगे। सबसे पहला कि कोर्जन के केस में है ना, जो पार्टी का कंसेंट लिया गया है ज़बरदस्ती, उसके पास ऑप्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। दूसरा क्या होगा, उसने, उस एग्री पार्टी ने अगर कोई बेनिफिट लिया है सामने वाले पार्टी से, उसको बेनिफिट को रीस्टोर रिटर्न करना, वापस करना पड़ेगा। और तीसरा कि अगर जिस पार्टी ने कोर्जन का यूज़ किया है उससे अग्री पार्टी ने कुछ लिया है, ठीक है ना, मतलब कि जिस पार्टी ने कोर्जन को यूज़ किया है उसने है ना अगर कुछ दिया है, तो उसको भी वो वापस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बोला, देखिए, ए पर्सन टू वो मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग। अब यहाँ पे मैंने जैसे रमेश को बाइक दे दिया, तो रमेश को वो बाइक मुझे वापस कर, एनीथिंग, देखिए, मनी डिलीवर्ड एनीथिंग है ना, हैज़ पेड टू वो मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर, मैंने बाइक दिया था तो अब मुझे उस रमेश क्या करेगा, मुझे वो बाइक वापस करेगा। तो समझ गया, दोनों में, तीनों में डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्री पार्टी के बारे में बात हो रही है, इस वाले पॉइंट में क्या, एग्री पार्टी, एग्री पार्टी, इसमें एग्री पार्टी लिख कर दिए, इसमें अदर पार्टी, अदर पार्टी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अदर पार्टी रिटर्न करेगा एग्री पार्टी को, यहाँ पे एग्री पार्टी रिटर्न करेगा कोई बेनिफिट लिया है तो अदर पार्टी को, ठीक है जी। अरे इसमें तो है ना एग्री पार्टी के पास ऑप्शन है ये कोर्जन करने का। तो होप फिर कोर्जन समझ गए होंगे, अभी एक डेफिनेशन सिर्फ समझ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डिटेल में है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। ये भी एक ऐसा चीज़ है जिसको यूज़ करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे कि नॉट फ्री फ्रॉम कंसेंट है और वो वॉइडेबल है। अनड्यू इन्फ्लुएंस आइए पढ़ते हैं सेक्शन 16 में। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टी। क्या बोलता है जी, रिलेशन, या रिलेशन की बात हो रही है, देख रहे, रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टी आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड ही यूजेज दैट पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। कहने का मतलब है, देखो इसको याद तो कर लीजिएगा, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहने का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है कि सेड टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ग्रसित है कब, जब पार्टी में ऐसा रिलेशन हो, दो पार्टी है ना कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी का, तो उसमें दोनों में ऐसा रिलेशन हो कि एक पार्टी इस पोजीशन पे है कि दूसरे के पोजीशन का फायदा उठा करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, क्या बोलता है जी है ना, दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट, डोमिनेट करे है ना, इम्पैक्ट करे, डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड ही यूजेज दैट पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, और उस पोजिशन का फायदा उठा ले। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं जी, ठीक है जी। देखिए फिर से वही, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने बोला यार तुम्हारे पास बड़ी अच्छी सी मोबाइल है ना, देखो मैं तुम्हें अच्छा से पढ़ा दूंगा, हाँ ये मोबाइल बाहर में कोई तुमको इतना में देगा नहीं, मुझे दे दो। आपने क्या समझा जी, अरे सर बोल रहे हैं यार, सर झूठ थोड़ी बोलेंगे, चलो सर को ना सस्ते में मोबाइल आपने मुझे सपोज 5,000 में दे दी, जो कि बाहर में आराम से 10,000 में बेच सकते थे। तो क्या किया मैंने, हमारी एक रिलेशन है, क्या है जी, हम दोनों का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है ना, बिटवीन द पार्टी सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन ए पोजिशन टू डोमिनेट, मैं डोमिनेट कर सकता हूँ आपको है ना, मैं आपको, आपको डोमिनेट कर सकता हूँ, आपको कन्विंस कर सकता हूँ, ऐसा पोजिशन है हम लोग का, ऐसा रिलेशन है हम लोग का, उसका फ़ायदा उठा करके मैंने आपसे मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने की बात कर ली। ऐसा करके भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो बोलते हैं जी वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्री फ्रॉम कंसेंट है और वो वैलिड नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक है जी। जैसे एक रिलेशन होता है क्लाइंट का और एडवोकेट का, वहाँ भी रिलेशन कैसा है जी, ऐसा रिलेशन जो एक दूसरे पर भरोसा है ना। क्लाइंट को क्या होता है, अपने एडवोकेट पे, अपने लॉयर पे भरोसा होता है। तो लॉयर ने कहा कि चलो जी है ना, एक केस तो चल ही रहा है, एक ना डिफामेशन, मानहानि का केस कर दो और अगले पार्टी पे,
ठीक है ना, आपने भरोसा करके है ना केस कर दिया, तो आपने क्या किया जी, उस पर भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट किया उस पर केस, नया केस करने का मतलब दोनों मिलके केस लड़ेंगे है ना, तो उसको एडवोकेट ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि नया एक केस करेंगे, उसके लिए वो फीस भी लेगा, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्या है जी है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया गया है, मतलब है ना रिलेशन का फ़ायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू हो गया है ना, जिसके वजह से है ना कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, ये वैलिड नहीं है, क्यों, वो इज़ नॉट फ्री फ्रॉम कंसेंट, नॉट फ्री कंसेंट के है, फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है जी। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब देखिए दोनों में रिलेशन हो गया, यहाँ पे कुछ करके धमका करके प्रेशर दे करके किया जाता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, कोई प्रेशर धमका के नहीं, रिलेशन ही दोनों पार्टी में ऐसा होता है कि रिलेशन की वजह से एक पार्टी इस पोजीशन पे होता है कि दूसरे को है ना दूसरे को डोमिनेट कर पाए और उस डोमिनेट पोजीशन का फ़ायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है जी। तो ऐसा रिलेशन जनरली केस में होता है, टीचर में स्टूडेंट में होगा है ना, क्लाइंट में एडवोकेट में होगा, डॉक्टर में पेशेंट में होगा, ठीक है, इस तरह का रिलेशन होता है। तो होप कि आपको ये दो चीज़ें समझ में आई होगी, इसका फर्दर एलेबोरेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी चीज़ों को भी वन बाय वन हम समझते जाएंगे। तो होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग लगा होगा कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडी।